फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में निजी संस्था की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन कर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक राजेश नागर सहित विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 10, 5 और 3 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मैराथन में बड़ी संख्या में युवा, बच्चे, महिला व पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विजेता धावकों को मेडल देकर पुरस्कृत किया और कहा कि इस तरह के प्रयास सराहनीय है क्योंकि इससे समाज में शिक्षा, सेहत और संस्कार का समन्वय होता है जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, ये समाज में फैली हुई जो हिंसा की प्रवृत्ति है उसके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर साल जी तो पूरे देश में अलग अलग महानगरों में इस तरह की अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन करता है। उसी कड़ी में इस साल भी देश के 66 शहरों में आज जीतो ने ये अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन किया है। आज फरीदाबाद में भी DPS 81 में इसका आयोजन किया गया है। मुझे आकर बहुत खुशी होती है क्योंकि समाज में जिस तरह हिंसा की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अगर उसको समाप्त करना है तो हमको अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसी में समाज में सौहार्द का वातावरण, शांति का, प्रेम और भाईचारे का वातावरण पैदा हो सकता है। तो इसके लिए मैं जीतो को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसके अवेयरनेस के लिए अहिंसा परमो धर्म ये कहा गया है। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि धर्म पर अब धर्म हावी हो रहा है आजकल। देखिए, अगर समाज में आज कुरीतियाँ फैली हैं, पाप, भ्रष्टाचार, बेईमानी और हिंसा अगर बढ़ी है तो उसके पीछे मैं मानता हूँ सबसे बड़ा कारण है कि धन का प्रभाव धर्म से ज़्यादा हो गया है। और जब जब ऐसा होगा तब तक समाज में हिंसा का वातावरण पैदा होगा, वैमनस्य का वातावरण पैदा होगा। अगर वास्तव में ही इस अहिंसा की वातावरण पैदा करना है, हिंसा की प्रवृत्ति से लोगों को दूर करना है, तो हमको धर्म के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और ये आज जीतो ने उसी की शुरुआत लगातार वो कर रहे हैं। वहीं विधायक राजेश नागर ने कहा कि आज के समय में समाज को अहिंसा का संदेश देना जरूरी है, यह वर्तमान की जरूरत है। उन्होंने इस मैराथन का यहाँ पर अपने स्कूल के प्रांगण में आयोजन किया और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्योंकि जिस तरह से आज जो पाप और अधर्म बढ़ रहा है उसके तहत ये एक मैराथन पूरे देश में की जा रही है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे विधानसभा तिगांव में इसका आयोजन हुआ। राजेश जी, जिस तरह से युवा आजकल जो है उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि शिक्षा में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और इस तरह के प्रयास आप स्कूल मिलकर कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जो संस्कार घर में मिलते हैं वो उसी संस्कार पे चलता है और शिक्षा तो स्कूल में मिल सकती है पर संस्कार हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें देते हैं और संस्कार सही होंगे तो बच्चा भी सही रास्ते पे चलता है और धर्म पर चलता है। और इस तरह से संस्कार होने किसी भी उसमें बच्चे में अच्छे जरूरी है। साथ ही विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस प्रयास से आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक साथ अहिंसा का संदेश दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जीतो संस्था के द्वारा देश के 69 सिटीज़ में आज एक ही समय, लास्ट ईयर भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 69 सिटीज़ में एक साथ कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ी बात है। रन फॉर पीस के नाम से जीतो द्वारा जो कार्यक्रम है अहिंसा के लिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस समय किसी दूसरी तरफ जा रही है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, इससे आदत पड़ती है। अगर हम जितने लोगों को भी आज पार्टिसिपेट कराएंगे उसमें से भी कुछ 10% 20% लोग भी इसको अपनी आदत में शुमार करेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 सेगमेंट में आज ये दौड़ का आयोजन हुआ है। मैं निश्चित ही सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है समाज के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए जो भी इसमें आज दौड़ लगा रहे हैं, चाहे किसी युवा हैं, हमारे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं। मैंने देखा था, पीछे भी हमारा एक आयोजन हुआ था, बहुत से बुज़ुर्ग लोगों ने भी इसमें दौड़ में भाग लिया था
और जब ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो इससे मोटिवेट होके और भी लोग जुड़ते हैं। गौरतलब है कि 10, 5 और 3 किलोमीटर की मैराथन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।